देखिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में जो शिक्षक बहाली चल रही है उसी से संबंधित है, और खासकर एसटीईटी 2023 जो आया है और बीएड वाले अभ्यर्थियों को 1 to 5 में जो बाहर किया गया, इन सभी मुद्दों को लेकर है। सबसे पहले हम एसटीईटी से संबंधित जो मांगे हैं उनको रखेंगे। एसटीईटी बिहार में आर्ट्स विषय के लिए 11th 12th के लिए 2011 के बाद आया है, और कुछ सब्जेक्ट के लिए 19 के बाद साइंस का आया है, और इसमें अपियरिंग में मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तो हर साल एसटीईटी की बहाली नहीं आती है, और अभी जो आप लोग देखे होगा शिक्षक बहाली आई तो मंत्री जी ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम बिहार से बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं। लेकिन आप जब एसटीईटी का फॉर्म निकालते हैं, एसटीईटी का फॉर्म निकालते हैं, तो आप उसमें मौका ही नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को भरने का, तो फिर तो आप वही बात कहिएगा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। एक तरफ आप यूनिवर्सिटी का जो आपका सेशन है वो लेट चलता है, मगध यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, सबका सेशन लेट चल रहा है। किसी का बीएड का फाइनल रिजल्ट पिछले साल आना चाहिए था, जून जुलाई में, अभी तक नहीं आया है। इसमें स्टूडेंट्स का क्या गलती, अभ्यर्थी का क्या गलती? और सबसे बड़ी बात, जो एनसीटीई है, जो शिक्षक पात्रता निर्धारित करती है, शिक्षक बहाली जो भी होता है उसका क्राइटेरिया वो बनाते हैं, तो सब चीज़ पे नज़र रखती है एनसीटी, उसका गाइडलाइन है। एनसीटी का वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यह आदेश है 4/8/2022, 4/8/2022 का यह आदेश है कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सीटेट जैसे होता है या अन्य जो पात्रता परीक्षा है उससे आप वंचित नहीं कर सकते। सीटेट साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार सीटेट, उसमें लोग जो एडमिशन ले लिए बीएड में वो लोग भी फॉर्म भरते हैं सीटेट में। और यहाँ जब एसटीटी आप हर साल नहीं निकाल रहे हैं, सीटेट 2 बार आता है उसमें वो लोग फॉर्म भरते हैं जो बीएड में या डीएलएड में मान लीजिए एडमिशन ले लिए। अपियरिंग में भी भरते हैं, जो एडमिशन ले लिए वो भी भरते हैं। अपियरिंग तो अलग चीज़ हो गया कि फाइनल ईयर में है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जो एडमिशन ले लिए फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना, वो भी भरते हैं। और एसटीटी जो 2011 के बाद आया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए 19 के बाद आया है, तो उसमें सरकार अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल हमारा सरकार से है, खासकर नीतीश कुमार जी से है, क्योंकि 17 साल से वो मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं से ज़्यादा मांग होगी। बाकी जो भी पार्टी है वो तो आते जाते रहती है नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार जी से हमारा ये मांग है कि जब आप शिक्षक बहाली में, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली अभी चल रही है उसमें आप अपियरिंग में, चाहे वो बीएड अपियरिंग हो, डीएलएड अपियरिंग हो या सीटेट अपियरिंग हो, उसमें आपने फॉर्म भरने का मौका दिया, यानी कि जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ आपने अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया, लेकिन जहाँ सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है वहाँ आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि एनसीटी स्पष्ट कर चुकी है कि कोई अगर एडमिशन ले लेता है तो उसको आप सीटेट या कोई भी पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है इससे संबंधित, और एनसीटी ने उसी का जिक्र किया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसटीटी 2023 का जो फॉर्म आया है उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, चाहे वो बीएड हो या फिर पीजी अपियरिंग हो। पीजी 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, क्या 100% कर दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी यूनिवर्सिटी में 2 साल का कोर्स 3 साल 2.5 साल में पूरा होता है, 3.5 साल में पूरा होता है। इसमें गलती किसका है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का गलती है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स की ये मजबूरी है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का ये गुनाह है कि उन्होंने बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? बीएड का देखिए, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसका सेशन लेट चलता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाता है तो मार्कशीट नहीं मिलता है। अभी हमारे पास खासकर मगध यूनिवर्सिटी का फोन आता है स्टूडेंट्स का, 5,000 रुपया मांग रहा है स्टाफ, 5,000 रुपया दो, तुरंत डिग्री सर्टिफिकेट दे देंगे, फलना सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे, ऐसे 4 महीना 5 महीना 1 साल भी लगा, ऐसे खुलेआम बोल रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी वाले। तो सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है कि 5,000 किस चीज़ के लिए मांगा जा रहा है? तो हमारे जब आपका सेशन लेट चल रहा है, बीएड हो या पीजी हो सबका, तो क्यों नहीं आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं? इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि एसटीटी 2023 में अपियरिंग में, और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उन सबको मौका दिया जाए, चाहे वो पीजी में हो या फिर बीएड हो, जैसा सीटेट में होता है। हम एक लाइन में मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो सीटेट में होता है जिस तरह से फॉर्म भरने दिया था, उस तरह से आप एसटीटी 2023 में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। दूसरी बात, कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है सरकार? 9 अगस्त को आप सुबह में नोटिफिकेशन जारी करते हैं, शाम से आप फॉर्म भरवाना शुरू करते हैं, 23 अगस्त को लास्ट डेट है, और 24, 25, 26 को बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है। अब परीक्षार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली में भी शामिल है और एसटीटी का फॉर्म भी भरेंगे। अब वो फॉर्म भरे एसटीटी का कि एडमिट कार्ड निकाले शिक्षक बहाली का, यानी कि सरकार की मंशा दिखा रही है कि क्या चाह रही है सरकार। आप 26 तारीख के रात में नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, और आज तक कोई भी फॉर्म निकला हो बिहार में हमें बता दीजिए कि इतना कम समय दिया गया हो फॉर्म भरने के लिए, मात्र 15 दिन समय। उसमें भी अभी 4 दिन से फोन आ रहा है हमारे पास कि पेमेंट दो दो बार हो गया, फंस गया, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडिट का ऑप्शन देना चाहिए एसटीटी में ताकि एडिट करे। पहले क्या कहा गया था, आप लिविंग सर्टिफिकेट लगाइए स्कैन करके, लिविंग LEAVING लिविंग सर, LEAVING, सब लोगों ने समझ लिया, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वही मतलब होता है, लिविंग का क्या मतलब। बाद में क्या किया बीएससीबी ने, LIVING,
आवासीय का रेसिडेंशियल नहीं करके लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपका स्पेलिंग गलती है इसका, आप खामियाजा स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना पड़ा? जो लोग लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दे दिए तो उनको तो आप दीजिएगा ना सुधार का मौका, कि एडिट का मौका, ताकि वो सुधार सके। और एक बार आप बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, फिर बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके देना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेगा भाई? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड होता है कि जेरॉक्स पे होता है, फोटो स्टेट पे होता है? तो ये स्पष्ट करें, एडिट का मौका दिया जाए, और फॉर्म भराने की जो एसटीटी 2023 है उसमें फॉर्म भरने की तिथि 20 दिन आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार 170,000 सीटों पर वैकेंसी जरूर निकाली है, लेकिन सरकार को भी इस चीज़ का एहसास हो गया होगा। हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भले आप इतना लाख वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को नहीं गया।